अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सना की किचन में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू सनास किचन 818। आज की हमारी रेसिपी है चना मसाला रेसिपी। आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे काबुली चना मसाला रेसिपी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो सनास किचन 818 चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने यहाँ पे 200 ग्राम चनों को ओवरनाइट भिगो के रखा है। इसको हमने भिगोए हुए चनों को प्रेशर कुकर में पानी और नमक के साथ 3 से 4 विजल देंगे। यहाँ पे चने बॉईल हो गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक पैन लेंगे, इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करते हुए इसमें हम 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक, 2 ग्रीन चिलीज, इसके साथ साथ हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून जिंजर, 2 मीडियम साइज चॉप्ड ऑनियन, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करते हुए इन सबको 2 मिनट्स ऑयल में सौते करेंगे। इसके बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून चना मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून मैगी मसाला पाउडर, इन सबको पैन में ऐड करेंगे। इन मसालों को भी अच्छे से हम ऑयल में भून लेंगे। इसके साथ साथ इसमें हम 1 बिग साइज चॉप टोमेटो ऐड करते हुए इसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। फिर इसको 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर अच्छे से पकने के बाद इसमें बॉईल किया हुआ चने का पानी ऐड करेंगे। फिर मसाला अच्छे से बॉईल होने के बाद हम बॉइल्ड चना ऐड करेंगे, कोरिएंडर लीव्स ऐड करते हुए लास्ट में हम बटर गरम करेंगे। इसमें करी लीव्स फ्राई करते हुए चना मसाला में ऐड करेंगे। चना मसाला बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे।